भैया हम आपको फोन काट रहे हैं, थोड़ा अच्छे देना चाहता हूँ। मंडल और ये ज्ञापन इस लिए दिया गया है, आज एक धर्मेंद्र दिग्गज जी हैं एटा जिला के, हिंदू धर्म कथावाचक सनातनी बताते हैं अपने को, जो भी हम कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उन्होंने एक वीडियो अपना बनाया है, एक नहीं दो तीन वीडियो बनाए गए उनके द्वारा, जिसमें बौद्धों को नपुंसक बताया गया है। तो यहाँ तक कि जो ये इस धरती पे जो 85 देश हैं वो बौद्धिस्ट कंट्री है, बौद्ध देश हैं। 85 देशों में बौद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं, बुद्ध के संतान भी हैं, उनके नपुंसक बताया जा रहा है, सारे बौद्धों को नपुंसक बताया जा रहा है उनके द्वारा। तो ये अपमान बौद्ध कतई नहीं सह सकते। सबसे पहले हम सभी बौद्ध और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जितने भी बौद्ध संगठन सब इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे समता सैनिक दल के भी लोग हैं, भीम आर्मी के लोग भी हैं और कई कथावाचक भी लोग हैं, तो और कुछ बहनें भी साथ में हैं। हम लोगों की यही मांग है डीएम साहब से कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करी जाए सख्त से सख्त और इन्हें जेल भेजा जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरे प्रदेश सहित पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। आज भीम आर्मी पूरे देश में फैली हुई है और भीम आर्मी बहुजन महापुरुषों के साथ कतई अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को नहीं सुधारती हैं, ये लोग ऐसे नहीं सुधर रहे हैं, शासन प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करती है। आज जिलाधिकारी से आप मिले अगर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने के द्वारा यही बताया गया है, आश्वासन दिया गया है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए समय भी दिया गया है। कितना समय दिया गया? अब 48 घंटे का हम लोग समय दे रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो हम लोगों ने कहा 48 घंटे आपके पास समय है, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जोर शोर के साथ करेंगे। ज्ञापन किसको दिया आपने? ये डीएम साहब को दिया गया और बात सुनी गई है, कार्रवाई कितनी होगी ये तो बात की बात है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। वो समस्त जिसमें बहुत शामिल होंगे, ये एक व्यक्ति के एक संगठन की लड़ाई नहीं, समस्त बौद्धों की लड़ाई है। अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ये बौद्धों की संतान है, कतई बौद्धों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे।